प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर। इंटरनेशनल न्यूज और जियोपॉलिटिक्स को जितने भी बड़े चैनल्स और जितने भी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया कैप्चर करती है और एंटरटेन करती है, आप अल जजीरा में देखिएगा, आप बीबीसी में देखिएगा, आप द टाइम्स अलजेब्रा में देखिएगा, सब पे आया हुआ है कि इतने सारे असलाह बारूद जो है वो बांग्लादेश ने मंगवाए हैं। अब आती है बात, मैं बहुत अच्छे से विस्तार से बता देना चाहती हूँ कि ये तो सौदा ट्रेड का हो गया है, ऑलरेडी हो गया है, आई विश के हो जाए और आई विश के पैसा भी आ जाए क्योंकि पैसा तो इनके पास आ गया। आपके सरकार की, देखिए मेरे पास पूरा डिटेल्स है इसका, और आपकी सरकार बजाफते इस मतलब ट्रेड रिलेशन में बहुत खुश है। देखिए नहीं, वो तो खुशी की तो बात है ही ना, जाहिर इनको पैसा आएगा, लेकिन ये क्या आ जाए तब ना। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की सरकार। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसा लगता है कि आरजू जी आपके साथ आजकल बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है, आपकी सरकार के साथ। होना चाहिए। किसका? भारत का? नहीं, भारत का नहीं, भारत का अफगानिस्तान का। नहीं, अफगानिस्तान का, हमारे यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। लेट मी कंप्लीट। बांग्लादेश और पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत ट्रेड का रिलेशन चल रहा है, और मैं बता देती हूँ कि किस चीज के ट्रेड का रिलेशन चल रहा है। बांग्लादेश इंट्रीम गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बोला है सप्लाई करने के लिए 40,000 राउंड ऑफ एम्यूनेशन, टैंक एम्यूनेशन 20,000 क्वांटिटी, 40 टन्स ऑफ आरडीएक्स और एक्सप्लोसिव इन वैक्स कंसिस्टेंसी एंड 2,900 हाई इंटेंसिटी राइफल। तो ठीक है, अगर ये चीज तो वो किसी से भी ले सकते हैं, अगर हमसे ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ये तो किसी और से भी ले ली जा सकती है ना। 40 मतलब आपसे ट्रेड इन्हीं सब चीजों का हो सकता है क्या? नहीं नहीं, और भी कई चीजों का हो सकता है, लेकिन अभी आपके पास अगर यही डिटेल्स हैं तो मेरे ख्याल है इसमें भी कोई हरज नहीं है, किसी और से भी लिया जा सकता है, लेकिन वो अब यहाँ से ले रहे होंगे पाकिस्तान। तो फिर अर्जु जी, तो फिर पाकिस्तान अपने आप को गरीब क्यों बोलता है? अभी तो मिलियन ट्रिलियन का सौदा हो गया बांग्लादेश से, गुर्बत तो है नहीं सरकार। कंफर्म नहीं है, कंफर्म न्यूज नहीं है ये, मगर ये कंफर्म न्यूज। ओ माय गॉड, मैं आपको आप लोगों के फेवरेट न्यूज से दिखा रही हूँ, अल जजीरा से दिखा रही हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन आपको पता है अल जजीरा बैन है पाकिस्तान में? आता नहीं आपको ये मालूम है कि अल जजीरा से प्रॉब्लम रहती है हमेशा पाकिस्तान को और कई दूसरी कंट्रीज को, लेकिन अगर इतना बिलियन आ रहे होते तो फिर हम रो क्यों रहे होते हैं नाजिया? अच्छा, ये न्यूज आपको आपको जितने भी इंटरनेशनल न्यूज और जियोपॉलिटिक्स को जितने भी बड़े चैनल्स और जितने भी बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया कैप्चर करती है और एंटरटेन करती है, आप अल जजीरा में देखिएगा, आप बीबीसी में देखिएगा, आप द टाइम्स अलजेब्रा में देखिएगा, सब पे आया हुआ है कि इतने सारे असलाह बारूद जो है वो बांग्लादेश ने मंगवाए हैं। अब आती है बात, मैं बहुत अच्छे से विस्तार से बता देना चाहती हूँ कि ये तो सौदा ट्रेड का हो गया है, ऑलरेडी हो गया है, आई विश के हो जाए और आई विश के पैसा भी आ जाए क्योंकि पैसा तो इनके पास आ गया। आपके सरकार की, देखिए मेरे पास पूरा डिटेल्स है इसका, और आपकी सरकार बजाफते इस मतलब ट्रेड रिलेशन में बहुत खुश है। देखिए नहीं, वो तो खुशी की तो बात है ही ना, जाहिर इनको पैसा आएगा, लेकिन ये क्या आ जाए तब ना। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की सरकार के पास पैसे हैं, वो अवाम को छोड़ करके रखी है नंगा भूखा जाहिल बेरोजगार, लेकिन पाकिस्तान के पास भीख मांग करके जो पैसे आते हैं
वो उससे आरडीएक्स खरीदवाता है, बम गोली बारूद खरीदवा करके अपने पास रखवाता है, लेकिन अपनी अवाम को भूखा रखा हुआ है। हाँ, अवाम का तो हाल खराब है, लेकिन ये कई बार एग्रीमेंट्स करते हैं लेकिन उसके बाद आगे कुछ होता नहीं। हमारे यहाँ पिछले दिनों सऊदी अरब से भी डेलीगेशन आया था, उससे भी कहा गया कि $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी तरह की चीजें होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें अभी जब तक हो नहीं जाती है, ये इनकी सुनी सुनाई कंफर्म हो जाए तब की बात है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, सऊदी अरबिया में जो जाकर के मरियम नवाज और आपके शहबाज शरीफ जो जाकर के मुलाकात करके आए थे, उसके बाद $30 बिलियन की बात उठी थी, तो उसके बाद ही यूएई की सरकार ने, यूएई की गवर्नमेंट ने साफ तरीके से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भेजा था कि हम ये पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने खर्च में दबे हुए हैं जिसका इंटरेस्ट भी आप नहीं दे पा रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि इस पैसे से क्या अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, वो पूरा ब्लूप्रिंट आप मुझे दिखाइए। आपकी सरकार फेल हो गई दिखाने से, तो वो पैसा, वो तो पहले ही यूएई ने बोल दिया कि वो नहीं। हाँ, तो वो पैसा नहीं आया, लेकिन ये एक नहीं, कई कंट्रीज के साथ अभी तक इसी तरह के अनाउंसमेंट्स कर चुके, किसी के पास से कुछ पैसा आ रहा है, किसी से कुछ आ रहा है, लेकिन आता कुछ भी नहीं। मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी खुशियां भी मनाई गई, और भारत में ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो आपको लगता है कि नई गवर्नमेंट जो आएगी उसके साथ जो है वो टर्म्स ठीक होंगे, या आपको लगता है कि नहीं, शेख हसीना वापस जाएंगी और वो इलेक्शन में सलेंगी, एक ये भी खबरें चल रही थी। देखिए, नई सरकार, पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि नई सरकार कोई भी आए, कोई भी बांग्लादेश में आए, अगर वो संवैधानिक तरीके से वहां पर काम करेगी, अगर वो बांग्लादेश को इकोनॉमिकली और बूस्ट करने पर काम करेगी, एडुकेशन सिस्टम जैसे शेख हसीना साहिबा ने संभाल करके रखा था, क्योंकि बांग्लादेशी आर वेरी एडुकेटेड। मैं बांग्लादेशी कई जर्नलिस्ट के साथ इस दौरान बैठी हूँ, मैं मेरी एकदम फेस टू फेस बात हुई है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और बांग्लादेशी मुस्लिम्स और हिंदूज हर रिलीजन जो है वो बहुत एडुकेटेड होते हैं। तो एडुकेशन सिस्टम को और सारी चीजों को अगर बायस नहीं बल्कि बैलेंस तरीके से अगर संभालने को तैयार है, और ये टेररिज्म वाला दिमाग से निकालने को तैयार है, तो भारत के रिश्ते अच्छे रहेंगे, डेफिनेटली अच्छे रहेंगे। और दूसरी बात कि अगर जो जिस तरीके से जमाते इस्लामी, हिफाजतुल इस्लाम, और उसके बाद फिर और भी 3 फुटिया मौलाना, 4 फुटिया मौलाना और रजाकार वहां पर जिस हिसाब से काम कर रहा है, और जो एक भगदड़ का माहौल और एक जंग का माहौल जो छेड़ करके रखा है, और खास करके हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ये अगर कंटिन्यू रहेगा तो भारत के रिलेशन बांग्लादेश से बेहतर नहीं होंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रही हूँ कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी और वहां के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगी, और जहां तक मुझे फीलिंग आती है, मेरी गट फीलिंग आती है कि फिर से शेख हसीना जीत करके सत्ता को वो संभालेंगी, मुझे ऐसा लगता है। दोबारा आपको लगता है कि वो जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन के बाद दोबारा वो जीत के और फिर से वो सत्ता पे आएंगी? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? अगर ऐसा ही होता तो फिर इस तरह से गवर्नमेंट को गिराया तो ना जाता जैसे उनकी किया गया? देखिए, एक होता है ना, बहुत स्ट्रेटेजिकली चीजों को सेट करना और सरकार की नाक के नीचे सरकार को धोखा देना। हम एक बार किसी से धोखा खा सकते हैं, लेकिन बार बार हम किसी से धोखा नहीं खा सकते। तो अब जो शेख हसीना का हो गया है ना, वो बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं, और वो उनके दिमाग के पट्टे खुल चुके हैं कि मुझे किस पे भरोसा करना और किस पे भरोसा नहीं करना है। अब जैसे अमेरिका का यात्रा पिछले 5 साल से, और नाहिद बोल करके पाकिस्तानी टेररिस्ट पिछले 5 साल से बांग्लादेश में रह रहा था, डोनाल्ड लू अमेरिका का पिछले 5 साल से आना जाना बांग्लादेश में कर रहा था, पर शेख हसीना ने उस पर तवज्जो ही नहीं दिया कि आखिर इसका आना जाना हो क्यों रहा है। अब देखिए भारत, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ तो लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए भारत में अभी हालिया में असदुद्दीन अवैसी से मिलने के लिए आई थी यूएस की काउंसिल, अमेरिका की काउंसिल, तो हमारे कान खड़े हो गए, हम समझ गए
कि ये रजाकार फौज का आखिरी सिपा सलार असदुद्दीन ओवैसी कुछ ना कुछ गोटियां खेल रहा होगा। उसके बाद देखिए कॉन्सुलेट आ गया अमेरिका का उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए, और अभी जम्मू एंड कश्मीर में, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन है, हमारे कान खड़े हो गए कि उमर अब्दुल्ला से मिलने क्यों आया है, क्या वजह करने, क्या वजह के लिए आया है। उसके बाद फिर देखिए कि जो खालिस्तानी मूवमेंट जो चलता है, तो कुछ पंजाबियों को बुला करके अमेरिका के कॉन्सुलेट में बुला करके बैठा करके बातचीत किया गया है। तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमारे भारत में अभी चार चार राज्यों में इलेक्शन है और खास करके जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन है, तो हमारे कान खड़े हो गए। उसी तरीके से शेख हसीना के कान अब खड़े हो चुके हैं, और शेख हसीना बंगा बंधु मुजीबुर रहमान साहब की पुत्री है, वो हारने वालों में से नहीं है, और मुजीबुर रहमान वो है जिन्होंने बंगालियों को बांग्लादेश बना करके दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को छीना और छीन करके उन्होंने बांग्लादेश बनाया, और बंगालियों को कहा कि ये तुम्हारी सरजमीन है, तुम अच्छे से जियो, तुम अपने हिसाब से जियो, तुम अपनी भाषा के साथ जियो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इतने बड़े फ्रीडम फाइटर की, एक इतने बड़े फाइटर की बेटी इतनी आसानी से जा करके विदेश में रह करके अपनी जिंदगी को बहुत काम और कूल तो नहीं करने वाली है, बिल्कुल नहीं करने वाली है। वो फिर से मैदान में उतरेंगी, वो फिर से जंग लड़ेंगी, वो फिर से संवैधानिक तरीके से अपने चेयर को पाने की कोशिश करेंगी। मेरा ऐसा मानना है कि वो फिर से जीत करके सरकार बनाएंगी, बाकी डिपेंड ऑन उनकी स्ट्रेटजी। बिल्कुल, जो भी हो, बहरहाल वो हो जो बांग्लादेश के लोग चाहते हैं, और लोगों की जाने ना जाए, लोग तकलीफ में ना आए, यही हमारी भी ख्वाहिश है। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी जी और नाजिया लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, खासकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।